तरीके से आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ से। मैं इसको लुक दिखा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीकैथलॉन के एक नए प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने डीकैथलॉन के काफ़ी सारे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखा हुआ था। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में हमें मिला हुआ था। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। हमने जो परचेस किया हुआ था वो है ये डीकैथलॉन का 199 का बैग। तो चलिए इसका देखते हैं इसका डिटेल की जो बैग इसमें इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी जो क्वालिटी क्या है अपने प्राइस के हिसाब से तो देखते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके ओवरऑल लुक के बारे में। तो ये देखने पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ से मैं इसको लुक दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे लोवेस्ट प्राइस में ये जो बैग है ये आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट सा ये जो बैग है आपको देख पर इसके काफ़ी सारे वेरिएंट मतलब कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। 7 से 8 कलर आपकी इस बैग के देखने को मिल जाएंगे। 199 में ये जो बैग है सही है या नहीं ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके जो जिप की जो क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो जिप की क्वालिटी है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो अभी तक तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो पॉकेट का जो साइज़ है कुछ इतना बड़ा है, मतलब दिखा ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पॉकेट की साइज़ है। यहाँ आप छोटे छोटे एसेसरीज रख सकते हैं। यहाँ पर दो ही कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ एक बड़ा कंपार्टमेंट है, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं पीछे, यहाँ पर जो कुशन यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब फिर भी पीछे तरफ केचवा का लोबो बना हुआ है। यहाँ पर इसकी भी जो क्वालिटी है, यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल जो यूज़ किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। पीछे वाला जो यहाँ पर जो यहाँ पर भी जो कुशन यूज़ किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पर बाटा लटकाने के लिए कोई भी सही होल्डर साइड में नहीं दिया हुआ है। और ये सामने की वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर भी आपको साइड की तरफ बस जिप देखने को मिलेगा। और बात करते हैं मेन कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैंने इसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कपड़े अंदर डाले हुए थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितने सारे कपड़े यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने ये एक कपड़ा यहाँ पर रखा, ये पहला, ये दूसरा, हमने साथ में इसका बॉटल भी रखा हुआ था, और ये तीसरा कपड़ा, और ये हमारे पास चौथा शर्ट। देख पा रहे हैं 4 शर्ट और एक बॉटल आराम से इसमें आ गए थे। आप समझ सकते हैं दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आप इजी रख सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी अंदर की वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। स्टूडेंट है तो कॉपी पुस्तक कितना है, कॉपी पुस्तक अंदर रख सकते हैं, तो वो अपन भी चेक कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी क्या है। तो अब देख पा रहे हैं जो इतना सारा कॉपी है मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ। यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 15 कॉपी आप A4 साइज़ के रख सकते हैं। मतलब A4 साइज वाले इतने कॉपी हैं हम लोग, 7 से 8, और कुछ छोटे कॉपी हम लोग इन रखे हुए हैं। इसमें डाल के देखते हैं कि ये आ जाता है कि नहीं। इसकी जो कैपेसिटी है अपन चेक कर ही लेते हैं आज। यदि आप कॉपी रखते हैं तो इसमें बॉटल नहीं रख सकते, ये ध्यान में रखें। ये इजी आ गया है, देख पा रहे हैं आसानी से, ये इजी है। इतने सारे 7 से 8 15 कॉपी इसमें आ गए हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस अंदर में है, इसमें आप रख सकते हैं। मतलब इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा सही डील लगे, इसलिए हम लोगों ने ये परचेज़ किया हुआ था। डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं, साइकिलिंग वाइकलिंग करते हैं तो भी आप इसमें बॉटल या कुछ कपड़े रख सकते हैं पसीने पोंछने के लिए। इसका जो ओवरऑल लुक है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और चलिए इसे लटका कर देख लेते हैं कि लटकाने के पर एक कैसा दिखता है पीछे से। तो अपन इसे लटका कर देख लेते हैं कि पीछे से इसका जो ओवरऑल लुक है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। देख पा रहे हैं काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। आप इसको लटका कर कहीं घूमने जाते हैं तो देख पा रहे हैं। ये साइड से तो आपको दिखा देता हूँ इसका जो शेप, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है इसको लटकाने पर, आप देख पा रहे हैं। तो लिंक होगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास भी ये वाला बैग है तो वो कैसा अभी चल रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।